मुझे ऐसा लगता है कि मोदी से पहले इंडिया उतना पॉपुलर नहीं था, उतनी ग्रोथ में नहीं था, बट अभी मुझे लग रहा है कि उनके आने से काफ़ी ग्रोथ हुआ है। वो जब से आए हैं उन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल टूर्स भी किए हैं, इंटरनेशनल गेस्ट को इन्वाइट भी किया है, जिससे कि क्या है कि इंडिया के रिलेशंस अदर कंट्री से मजबूत हुए हैं, बॉन्ड मजबूत हुए हैं। आप मेरी बात, आप कह रहे हैं राहुल गांधी की बात नहीं मानी, हरियाणा के वोटरों ने राहुल गांधी की पूरी पूरी बात मानी। देखिए राहुल गांधी जी कह रहे थे एससी एसटी ओबीसी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक हो जाओ। देखिए हरियाणा के अंदर एसटी ओबीसी एससी ओबीसी सबके सब एक हो गए, उन्होंने जाकर के कमल का बटन दबा करके कमल खिला दिया। अब देखिए हरियाणा को बोलते थे जाटलैंड, जाटलैंड सिर्फ हरियाणा का मतलब हुड्डा, हरियाणा का मतलब कांग्रेस पार्टी ने बना दिया था हुड्डा, इसके अलावा हरियाणा का कोई अर्थ नहीं है, हरियाणा का मतलब सिर्फ और सिर्फ हुड्डा। लेकिन हरियाणा के पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों ने और एससी एसटी ओबीसी ने कहा कि हरियाणा का मतलब हम आपको इस चुनाव में सिखाएंगे। योगी जी ने बोला था बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हरियाणा की जनता को ये बात समझ में आ गई, हरियाणा के एससी एसटी ओबीसी वोटरों ने जाकर के कमल के निशान पर बटन दबाया, क्योंकि राहुल गांधी चुनावी पंडित हैं, राहुल गांधी चुनावी कलाकार हैं, तो अपने जितना रोल है उतना निभाते हैं। बाकी सैम पित्रोदा जैसे लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी के पास जो सनातन जो हिंदुत्व के लिए नफरत है वो जग जाहिर है, पर अब ये हिंदू ना बटेगा ना कटेगा, एक रहेगा नेक रहेगा। अब ये हिंदू महाराणा प्रताप पृथ्वीराज सिंह चौहान छत्रपति शिवाजी महाराज के बताए रास्ते पर चलेगा। लेकिन हमने देखा कि हरियाणा में भाजपा बहुमत से सरकार बनाई और कांग्रेस पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वहां बन के रह गई। मेरे साथ मैम मौजूद है, मैम क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, प्रीति 2024 का आपने लोकसभा चुनाव देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अब मोदी का वो मैजिक जो 2014 में था और 19 में था, जो मोदी लहर की जो बात की जा रही थी, वो अब नहीं रही है और मोदी के नाम पर अब वोट है वो नहीं पड़ते हैं, मोदी कमजोर हो गए हैं, मोदी का वो मैजिक नहीं चलता है, मोदी लहर खत्म हो गई है। डू यू बिलीव दैट कि वाकई में अब मोदी का वो मैजिक वो और रहा नहीं है? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि लोगों को बेशक ना दिख रहा हो, लोगों को इंडिविजुअली ना दिख रहा होगा कि मोदी काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। नेशन की ग्रोथ में मोदी ने बहुत हेल्प की है, लाइक इंडिया काफ़ी वास्ट हुआ है, लाइक काफ़ी लोगों ने जाना इंडिया के बारे में। हो सकता है, मुझे खैर उतना पता नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मोदी से पहले इंडिया उतना पॉपुलर नहीं था, उतनी ग्रोथ में नहीं था, बट अभी मुझे लग रहा है कि उनके आने से काफ़ी ग्रोथ हुआ है। वो जब से आए हैं उन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल टूर्स भी किए हैं, इंटरनेशनल गेस्ट को इन्वाइट भी किया है, जिससे कि क्या है कि इंडिया के रिलेशंस अदर कंट्री से मजबूत हुए हैं, बॉन्ड मजबूत हुए हैं, जिससे कि हमें आने वाले टाइम में काफ़ी हेल्प मिल सकता है ग्रोथ में। बहुत स्मार्ट हो चुकी है, लोग जानते हैं मोदी को, लोग पहचानते हैं उनकी आवाज़ को, ठीक है, उनके वर्क्स को जानते हैं। हाँ जी, राहुल गांधी के बारे में कहा गया कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ इसके बाद में राहुल गांधी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, इंडिया अलायंस के लीडर बन चुके हैं, यानी कि विपक्ष में नेता के प्रतिपक्ष नेता बन चुके हैं, वो एक बहुत बड़े पद होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोग ये भी कह रहे थे कि अब राहुल गांधी पहले वाले राहुल गांधी नहीं रहे हैं, ये निखर गए हैं, पॉलिटिकली मैच्योर हो चुके हैं कंपेयर टू बिफोर, जो इनका एक तरीके से परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन इस बार हरियाणा के इलेक्शन में भी कांग्रेस हार गई है, इसके बाद लग रहा है कि ये जो राहुल गांधी, नया राहुल गांधी, ये जो लीडर ऑफ मास लीडर जो थे, वो वाली इमेज वापस से क्रैक हो चुकी है? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइक बीजेपी ही इंडिया के लिए ठीक है, इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। लाइक राहुल गांधी क्या कर रही है, वो सिर्फ ये बोलती है कि आप मुझे जिताओ, हम आपको इतने पैसे देंगे, हम महिलाओं को इतने पैसे देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, बट मैटर वो नहीं करता। आप लोग इंडिविजुअली सोचते हैं कि हमारे घर में ये चीज़ फ्री आएंगी, बट वो चीज़ आ कहाँ से रही है? इंडिया की ग्रोथ से आ रही है वो चीज़, तो कहीं ना कहीं इंडिया की ग्रोथ स्टक हो जाती है उससे। अच्छा, आपने भी सुना होगा ये पूरा जो इंडिया अलायंस है, राहुल गांधी भी बार बार कह रहे थे कि देश में लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, अगर मोदी सरकार आ गई तो ये जो दलित समाज है, आदिवासी है, उनका जो आरक्षण है वो भी खत्म कर देंगे, संविधान को ये जो है चेंज कर देंगे, ऐसे तमाम आरोप लगे थे। उसके बाद भी हरियाणा में बीजेपी जीत जाती है, तो लग रहा है कि जो नैरेटिव जो एक कोशिश करी थी घड़ने की वो फेल हो गया? बिल्कुल फेल हो गया। राहुल गांधी का क्या है कि वो ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो अपोजिशन को नीचे कर रहे हैं, उनका ये एजेंडा है। वो कुछ ऐसे टॉपिक्स पकड़ लेते हैं जिनमें उनको नेगेटिव किया जाए, मतलब लाइक जनता को नेगेटिव किया जाए, चीज़ों को नेगेटिव किया जाए, वो यही सोचते हैं। वो ऐसे टॉपिक्स पकड़ते हैं, वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, लाइक वो ऐसा बोलते हैं कि मोदी हिंदू मुसलमान करती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। मोदी बहुत सेक्युलर है, योगी जी बहुत सेक्युलर है, वो सिर्फ इंसाफ देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, वो कभी किसी को पूछ के कुछ नहीं करते ना, किसी को पूछ के इंसाफ करते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी है यूपी में, तो कितने घरों पे बुलडोजर चले हैं,
बट इसमें उन्होंने पूछ के बुलडोजर नहीं चलाई कि हिंदू है मुसलमान है, बस जो उन्हें गलत लगा वो उन्होंने किया, बस जो गलत था उन्होंने किया, और जो गलत था जिनके घर पे चला वो, अगर वो गलत होता, अगर योगी ने गलत किया होता तो वो आवाज उठाते, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राहुल गांधी के पास एक ही मौका था, अगर हरियाणा में शायद ही कुछ कर पाते या राहुल गांधी की लीडरशिप में हरियाणा में अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती तो ये माना जा सकता था कि हाँ अगर मोदी थोड़ा कमजोर हो चुके हैं, राहुल गांधी अब जो है एक मास लीडर बन के उभर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो एकमात्र मौका था वहाँ भी राहुल गांधी अपनी चला नहीं पाए, तो लग रहा है कि अब ये पिक्चर खत्म हो रही है। लाइक वो क्या करते हैं ना, वो दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, लाइक मोदी को वो नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, बस ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को ग्रोथ दिखती है, ठीक है, जो समझदार लोग होंगे मुझे तो लगता है कि वो बीजेपी को ही वोट देंगे और मोदी को ही चुनेंगे। राहुल गांधी अब दिख भी नहीं रहे हैं, जैसे परिणाम आए वो गायब हो गए, कुछ लोग कह रहे इटली चले गए हैं, नानी के घर चले गए हैं, वो अलग अलग पैतरे आजमाते हैं कि बस वो नीचे, वो ऊपर नहीं आएंगे, वो औरों को नीचे करते हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, वो इवन और नीचे आ जाते हैं, वो अपनी जो हरकतें करते हैं उनकी वजह से। आप मेरी बात, आप कह रहे राहुल गांधी की बात नहीं मानी, हरियाणा के वोटरों ने राहुल गांधी की पूरी पूरी बात मानी। देखिए राहुल गांधी जी कह रहे थे SC ST OBC पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक हो जाओ, देखिए हरियाणा के अंदर ST OBC SC OBC सबके सब एक हो गए, उन्होंने जा करके कमल का बटन दबा करके कमल खिला दिया। अब देखिए हरियाणा को बोलते थे जाटलैंड, सिर्फ हरियाणा का मतलब हुड्डा, हरियाणा का मतलब कांग्रेस पार्टी ने बना दिया था हुड्डा, इसके अलावा हरियाणा का कोई अर्थ नहीं है, हरियाणा का मतलब सिर्फ और सिर्फ हुड्डा। लेकिन हरियाणा के पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों ने और SC ST OBC ने कहा कि हरियाणा का मतलब हम आपको इस चुनाव में सिखाएंगे। योगी जी ने बोला था बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, हरियाणा की जनता को ये बात समझ में आ गई, हरियाणा के SC ST OBC वोटरों ने जाकर के कमल के निशान पर बटन दबाया और ये परिणाम बताया कि राहुल गांधी जी आप एक तरफ सदन के अंदर बोलते हैं कि हिंदू मतलब हिंसा, हिंदू मतलब नफरत, हिंदू मतलब झूठ, हिंदू मतलब असत्य, दूसरी तरफ हिंदुओं से SC ST OBC से वोट मांगने आते आपको वोट नहीं देंगे। आप राहुल गांधी जी विदेश जा कर के सिखों का अपमान करते हैं, भारत देश का अपमान करते हैं, और हरियाणा के अंदर जा कर के कहते हैं कि हमें वोट दो, सिखों ने कहा हम आपको वोट नहीं देंगे। हरियाणा के अंदर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की पार्टी ने बताया किसान परेशान, किसान परेशान, जवान परेशान, पहलवान परेशान, मजदूर परेशान, खिलाड़ी परेशान, हरियाणा की जनता ने कहा सिर्फ और सिर्फ हुड्डा परिवार परेशान, सिर्फ और सिर्फ पोगाट परिवार परेशान, और सिर्फ कांग्रेस के राजकुमार परेशान, इसके अलावा कोई नहीं है परेशान। 2014 में जितने प्रचंड बहुमत दिया उससे भी ज़्यादा डबल परसेंट बहुमत हरियाणा की जनता ने देने का काम करा और आशीर्वाद दिया, डंके की चोट पर बोला, और ये उन गौरक्षकों का प्यार है जो अपने जान की बाजी लगा करके रात को गौ माता की रक्षा करने का काम करते हैं। दूसरी, हाँ जी जी, इस बार हमने ये देखा कि राहुल गांधी जो है शुरुआत से ही हरियाणा में एक माहौल बनाया हुआ था कि भाई 10 साल भाजपा की सरकार है, 10 साल में तो शायद अब एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई होगी, थाली में सजा के कांग्रेस को सत्ता मिल जाएगी, क्योंकि 10 साल हो गए बीजेपी को, एक ये ओवर कॉन्फिडेंस था कांग्रेस में, अग्निवीर उनका जो मुद्दा था वो नहीं चला, आरक्षण खत्म करने की बात वो नहीं चली, ये पहलवानों वाला मुद्दा हो, किसानों वाला मुद्दा हो, सारे के सारे मुद्दे धरे के धरे रह गए और भाजपा 57 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ तीसरे बार को लगातार सरकार। आप देखिए एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया, आप बताइए जो अभी सरकार है आने वाले 10 साल बाद उसका 2% वोट शेयर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब कि उन्होंने काम करा है, आप उसको एंटी इनकम्बेंसी नहीं बोलते, एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया। आप बताइए हरियाणा के अंदर ये लोग बोलते काम नहीं करा, हरियाणा के अंदर किसान परेशान, आज हरियाणा के वोटरों ने बोला कि जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे वो नकली किसान थे, जो हरियाणा के अंदर किसानी करते हैं वो असली किसान थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जो सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर बैठ के एक परिवार की बात करने वाले खिलाड़ी थे उनको हरियाणा की जनता ने नकारा और बताया कि हरियाणा के अंदर एक ही परिवार खिलाड़ी नहीं है, पूरे का पूरा हरियाणा खिलाड़ी है, कहते नहीं दूध दही का खाना, ऐसा है हमारा हरियाणा। हरियाणा के एक एक मतदाता ने एक एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डंके के चोट पर जाकर के वोट दिया और बताया कि हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान, और ये जो राहुल गांधी कह रहे थे SC ST OBC कराइए ना जाति जनगणना, खूब करिए मीटिंग कराइए, जाति जनगणना करिए कांग्रेस के दफ्तर में मीटिंग बताइए क्यों हारे आप इसलिए हारे क्योंकि हमारे देवरूपी योगी आदित्यनाथ जी खड़े हुए और डंके की चोट पर हर रैली में बोला कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे
नेक रहोगे तो हरियाणा के SC ST OBC वोटर ने बोला ना बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे और नेक रहेंगे और जाकर के सिर्फ और सिर्फ कमल खिलाएंगे। हुड्डा परिवार से इतना खौफ बनाया हरियाणा के अंदर कि आप जैसे मीडिया बंधु गए माइक लगा रहे तो बोल रहे किसको वोट दोगे, तो बोल रहे बताएंगे 9 तारीख को पता चलेगा, 8 तारीख को पता चलेगा कि हमने किसको वोट दिया है। और आज पता चल गया माहौल कुछ और ही था, क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी की तमाम जो एकदम फौज है सारे की सारी हरियाणा के चुनाव में उतरी हुई थी, जो लॉबी है चाहे वो कुमारी सैलजा के रूप में दलित कार्ड खेलने की लॉबी हो, चाहे OBC हो, तमाम हमने देखा है कि भाई साहब पूरी की पूरी फौज तैयार थी भाजपा की ओर से। तो ये भाजपा के नेता भी इस बार तो थोड़ा एक माहौल में थे कि क्या मालूम हरियाणा में भाई NDA इनकम मैन से काम कर जाए, इतनी नाराजगी काम कर जाए। अब राहुल गांधी के पास बचा क्या है, अब क्या मुद्दा बचा है, अब किस महाराष्ट्र में चुनाव, झारखंड में चुनाव, किन मुद्दों पर जा सकते हैं? मैं बोलता हूँ आपको, कांग्रेस पार्टी के ITCL प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता गाली वाली मैडम सुप्रिया सिरनेत जी नमस्ते आपको, ये चिल्ला चिल्ला के TV डिबेट्स में चिल्ला चिल्ला के हरियाणा की हर एक रैली में कह रही थी अगर BJP की 20 सीट से ज़्यादा आ जाएं तो मेरा नाम बदल देना, अगर BJP की 20 सीट से ज़्यादा आ जाएं तो सुप्रिया सिरनेत गाली वाली मैडम बोल रही थी मेरा नाम बदल देना क्योंकि मैंने रामायण देखी है। तो मैडम रामायण मैंने भी देखी है और उसी में से आपके लिए एक नाम खोज करके लेके आया हूँ, आज से आपका नाम हिडिंबा, इन्होंने ही चेंज करा था, तो आज से आपका नाम सुप्रिया सिनेत गाली वाली मैडम का नाम आज से हिडिंबा हो गया, क्योंकि इनको देख करके मुझे रामायण में ऐसी पात्रों का याद आती है, सुपनखा, ताड़का, हिडिंबा, जो कृत्य है इनके, चिल्ला चिल्ला के इतना आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास, हिंदुओं को बांटने का काम करा। राहुल गांधी कभी ये क्यों नहीं बोलते, राहुल गांधी कभी ये क्यों नहीं बोलते 72 फिरके हैं मुसलमानों में, उनमें इतनी जातियाँ हैं, उनकी जातियों के बारे में बात नहीं करेंगे, उधर तो सिर्फ मुस्लिम, पर हिंदू में SC ST OBC, आप इनको चटनी ऐसी चटनी मिली है कि ये महाराष्ट्र में तो सरेंडर कर चुके हैं। और राहुल गांधी तो वो भाजपा के नेता ये कटाक्ष कर रहे हैं कि भाई साहब चुनाव परिणाम के दिन राहुल गांधी तो गायब ही हैं, इटली चले गए क्या, नानी के घर चले गए क्या, मतलब ये कह रहे कि भाई कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहना चाहिए था इस टाइम पे, वो पता नहीं कहाँ चले गए। राहुल गांधी भारत के वोटर्स को, भारत की जनता को सिर्फ इतना समझते कि आओ यहाँ पर विदेश में घूमो, आओ यहाँ पर वोट मांगो, चुनाव जीतो या हारो अपना विदेश चले जाओ। जब दो दो स्टेटों के चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे तब राहुल गांधी इटली घूम रहे, आपको भारत में होना चाहिए था, आपको ICC के दफ्तर में, AICC के बैठक में होना चाहिए था, नहीं, क्योंकि राहुल गांधी चुनावी पंडित हैं, राहुल गांधी चुनावी कलाकार हैं, तो अपना जितना रोल है उतना निभाते हैं। बाकी सैम पित्रोदा जैसे लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी के पास जो सनातन, जो हिंदुत्व के लिए नफरत है वो जग जाहिर है, पर अब ये हिंदू ना बटेगा ना कटेगा, एक रहेगा नेक रहेगा, अब ये हिंदू महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज के बताए रास्ते पर चलेगा और डंके की चोट। जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये एक तो चुनाव अपडेट होने में, परिणाम अपडेट होने में काफ़ी समय लग रहा था, चुनाव आयोग को पत्र लिख रहे हैं कि भाई साहब ये समय क्यों लग रहा है, कुछ गड़बड़ का अंदेशा वो व्यक्त कर रहे थे, ये चुनाव आयोग भी उनको फटकार लगा दिया कि अब हर बार वही रोना, EVM का रोना। जब कांग्रेस पार्टी EVM पे रोना स्टार्ट कर दे तो समझ लो ये लोग चुनाव हार चुके हैं। आप मेरे को एक बात बताइए पत्रकार महोदय, सेम चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर भी सेम रिजल्ट, पर वो रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है, अलायंस के पक्ष में आ रहा है, तो इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया, हिमाचल में जीत जाएंगे इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया, कर्नाटक में जीत जाएंगे इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया, और जाकर के जहां पर हारने लगेंगे, UP में हार गए, हरियाणा में हार गए, हाय हाय इलेक्शन कमीशन, अरे यो क्यों नहीं कहते कि आपकी पार्टी को जनता ने अस्वीकार कर दिया, जनता ने फैसला आपकी पार्टी के खिलाफ दिया, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए हिंदुओं से जिनको आप हिंसक बता रहे थे, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए सिखों से जिनका अपमान आप अमेरिका के अंदर कर रहे थे। भी काम आए चुनाव में क्या, ये राहुल गांधी की जो पुरानी बयानबाजी है उसका भी लग रहा है असर हुआ होगा। राहुल गांधी हिंदुओं को गाली दे रहे हैं सदन के अंदर से, हर एक रैली में से गाली दे रहे हिंदुओं को, और सोच रहे हिंदू उनको वोट करेगा, क्यों भाई साहब क्यों वोट करेगा, हिंदू वोट करेगा और वोट देने जाएगा और जाकर के ऐसी जगह बटन दबाएगा कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ एक जगह नजर आएंगे, इटली, इटली नजर आएंगे। भाई साहब कह रहे हैं कि इस बार जो हरियाणा का जो चुनाव परिणाम, एक तो ये अपने आप में ये अविश्वसनीय रहा है क्योंकि 57 सालों के बाद में कोई पार्टी जो है लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है, और ये भाजपा ने किया वो भी 10 साल सत्ता में रहते हुए, जब लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल क्रिएट हो चुका है,
अग्निवीर का मुद्दा राहुल गांधी लेके आए, किसान पहलवान का मुद्दा लेकर के आए, एक भी मुद्दा काम नहीं आया, कहाँ कमी रह गई? आपको क्या लगता है भाजपा की जीत का क्या कारण मानते हैं और कांग्रेस की हार का क्या कारण मानते हैं?